हार्ड हिटिंग वीडियोस। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश में कमलनाथ या शिवराज किसकी बनेगी सरकार। सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से आम जनता तक पहुंच बना रही हैं। बीजेपी सत्ता में वापसी करने की कस्में खा रही है, तो वहीं कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद इस आत्मविश्वास में है कि मध्य प्रदेश भी उनकी झोली में आने वाला है। इसी बीच एमपी में जनता का मूड जानने के लिए एक सर्वे किया गया है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 106 से 118 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि 108 से 120 का आंकड़ा छू सकती है कांग्रेस। वहीं बीएसपी और अन्य के खाते में चार चार सीटें जा सकती हैं। सर्वे में बीजेपी की बजाय कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर वोट शेयर की बात करें तो सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को लगभग 44-44% वोट मिलने वाला है। वहीं बीएसपी को 2% और अन्य को 10% वोट मिल सकते हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काम से लगभग 31% लोग संतुष्ट दिखाई दिए हैं, जबकि 31% असंतुष्ट हैं। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में कांग्रेस ने ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2 साल तक सरकार चली। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खासा नाराज़ हो गए थे। इसके बाद उनके समर्थक विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। बीजेपी ने फिर से राज्य की कमान शिवराज सिंह को सौंपी और पार्टी उन्हीं के चेहरे के साथ फिर से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। राज्य में विधानसभा की 230 सीटें हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।